ऐसे आती है, मैं बताती हूँ। वो मेरे पार्टी लीडर उस मीटिंग में बैठे थे और जब मेरे पार्टी लीडर कुछ कहेंगे मैं उनका यकीन करूंगी, ना कि अमित भाई शाह का, जो एक तरफ कहते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी अमित शाह वो अजीत पवार 70,000 करोड़, और दूसरे दिन उनको अपने उप मुख्यमंत्री बना लेते। मैं अपने पार्टी लीडरशिप पे मेरा पूरा विश्वास है। और ये जो रघुकुलती, ये जो आपकी सारी सदा रीत आई, प्राण न जाए, I'm telling you, आगे चलकर क्या हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे सबके सामने ये बोलकर जा रही हूँ, आगे चलकर अक्टूबर में जब महाराष्ट्र में चुनाव आएगा, महाविकास अघाड़ी जीत कर आएगी और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो अलायंस है, एक तो ये कि हम इकट्ठे हो गए हैं, इसके अलावा ये अलायंस भारत की जनता को क्या दे रहा है जो बीजेपी नहीं दे पा रही है, आपको लगता है? मैम गिविंग यू अ चांस टू टेल कि ये अलायंस क्यों है। एक तो है कि जोड़ हो गया, चुनावी जोड़ हो गया, अरिथमेटिक हो गया, वोट शेयर शायद सीट एलोकेशन अच्छा हो जाएगा, पर ये इंडिया अलायंस एक आम भारतीय है, वो सच्ची में अभी उसने डिसाइड नहीं किया कहां वोट देना है, वो क्या देगा जो बीजेपी नहीं दे पा रही है और या एनडीए नहीं दे पा रहा है? आई थिंक मैंने जो अपना स्टेटमेंट शुरू में दिया था वो काफी ऑब्वियस था। देश की महिलाएं, देखिए मोदी जी चार स्तंभ की बात करें, अन्नदाता, महिला, युवा, भ्रष्टाचार और साथ में महंगाई, ये इनका 2014 का भी मुद्दा था, 2024 में फिर से उन्होंने कहा ये हमारे चार स्तंभ होंगे, और चारों स्तंभ की हकीकत मैंने आपको भी सामने रखी है। तो इशू देश के सामने क्या है, आप बोलिए 130 करोड़ की जनता है, उसमें 80 करोड़ लोगों को आप कहते हैं और आप उसको अपना वो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है, 80 करोड़ लोगों को रोजगार ना देकर आप उनको कह रहे हैं हम आपको मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो मैं मुफ्त के शब्द से मुझे प्रॉब्लम है, आप उनको राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने निर्भर कर दिया है उस पर, मैं इसको आपकी उपलब्धि नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं विफलता हुई है। अगर 45 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भी आपकी हकीकत है। और आपने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में आपको कैसे धूल चटाई, मैं आपको बताती हूँ, अब ये डिबेट तो लेफ्ट और राइट की होनी थी पर मैं बताती हूँ ये कहाँ का आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया में ये कहाँ लागू होता है कि अगर नए अलायंस बनते हैं तो आप ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर सरकारों को गिराएं। अब तो फॉरगेट, मैं तो उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी मानने लग गई हूं कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन देखें, 97% लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो हो रहे हैं जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं, 97% विपक्ष के हैं। अशोक चव्हाण को क्लीन चिट मिल जाता है, 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे, और ये मैं नहीं कह रही हूं, इनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं 26-27 साल हमने पार्टी में रहकर काम किया, और जिनके ऊपर आपने पूरा आदर्श स्कैम का घोटाला लगाया वो आपके राज्यसभा उम्मीदवार होकर 24 घंटे के अंदर अंदर। तो 97% जो हैं आप ईडीआईटी केसेस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे लगा रहे हैं, और वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन धुल जाती है। अब तो वॉशिंग मशीन नहीं रह गया, वो तो डस्टबिन बन गया है, और आप उनका इस्तेमाल करके आप सरकारें गिरा रहे हैं। तो ये लेफ्ट आइडिया हुआ या राइट आइडिया ऑफ इंडिया हुआ, आप एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पॉलिटिकली देखिए, अब है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जहां पे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर थ्रू आउट किया है, उसमें से डोनेशन सबसे ज्यादा किसको आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है, 30 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 330 करोड़ दिए हैं, उसमें से 23 कंपनी में किसी तरीके का उन्होंने डोनेशन नहीं दिया था बीजेपी को, पर जैसे ही ईडीआईटी सीबीआई उनके घर पे ऑफिस में पहुंचे हैं उन्होंने डोनेशन देना चालू कर दिया, पॉलिटिकल डोनेशन बीजेपी को। तो अगर आप लेवल प्लेइंग फील नहीं करते तो ये आइडिया ऑफ लेफ्ट और राइट ही नहीं रहता, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहती है, ये आइडिया ऑफ ऑटोक्रेसी बनती है। तो हम जो देश के सामने रख रहे हैं, और जैसे मैंने धूल चटाने की बात, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की बात की, मैं उनको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी जी हारी जरूर थी पर 1.5 साल के अंदर फिर से दुगने वोट से जीत कर भी आई थी। मेरे कहने का मतलब ये है, जो जो प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा जनता उसको सबक सिखाएगी, एंड द आइडिया दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इज नॉट रियली द आइडिया ऑफ व्हाट इंडिया शुड बी। ठीक है, मैं आपको जवाब देने का ऑफकोर्स मौका दूंगा, लेकिन मेरे को एक वैसे बात बता दीजिए, शिवसेना लेफ्ट विंग पार्टी है या राइट विंग? अब मुझे आप बता दीजिए देश में लेफ्ट विंग नहीं, आप मुझे, मैं आपसे एक और फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछती हूं, आइडियाज इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट विंग मीडिया, नो नो आई वांट टू से वन थिंग, आइडिया ऑफ लेफ्ट, आप ही ने लेफ्ट विंग राइट विंग बोला, मैं तो सिर्फ पूछा था आप क्या अलग करोगे। आई एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि मैंने ये कहा था डिबेट का टॉपिक ये था। अब मुझे आप बता दीजिए इस देश में, एक तो सबसे पहले आई हैव अ प्रॉब्लम,
हमने अपने देश को लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स, जो यूरोपियन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, यूरोपियन आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, अमेरिकन आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, वो हमारे देश में लागू नहीं है। आप मुझे ये बताइए, 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं, वो लेफ्ट विंग आइडिया या राइट विंग आइडिया? आई एम आस्किंग यू, ट्रेडिशनली लेफ्ट विंग। नाउ जब तो आप इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करते हैं, वो लेफ्ट विंग आइडिया या राइट विंग आइडिया है? इट्स राइट विंग। एग्जैक्टली। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया उस समय पर, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। यहाँ पर किसने किया? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। सो ये लेफ्ट विंग, लेफ्ट और राइट विंग कंस्ट्रक्ट खत्म होना जरूरी है इस देश में। और इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया था, लेफ्ट, यू सी योरसेल्फ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉलिटिक्स और द राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स, शी सेड एज एन इंडियन आई सी एज माय पॉलिटिक्स बीइंग स्ट्रेट एंड इन कमिटमेंट टू माय नेशन एंड वी विल टेक डिसीजंस एज पर व्हाट माय नेशन नीड्स एंड दैट इज व्हाट शिवसेना इज। शिवसेना के साथ बैकस्टैबिंग होगी, 25 साल के आपके अलायंस पार्टनर्स हैं। पीपल अलायंस होता है, देखिए राजनीति में हम एनजीओ नहीं चलाने आए हैं, राजनीति में जब अलायंसेस होते हैं डिसीजन पे होते हैं। 2014 में हम लोग अलग अलग लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, और 2019 में हम पे ये कमिटमेंट देकर लड़ाया गया था साथ में कि ढाई ढाई साल की चीफ मिनिस्टरशिप होगी। आप उस पर मुकर, बिहार में आपकी सीट ज्यादा आती है पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं, पंजाब में आपके अलायंस पार्टनर मुख्यमंत्री बनते हैं। शिवसेना ने आपके साथ 25 साल रहकर यही गुनाह किया कि आपके साथ 25 साल भरोसा किया ये कि आप ढाई ढाई साल का कमिटमेंट निभाएंगे, और आप नहीं निभाएं तो क्या हम यहाँ पे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे? अलायंसेस, नए नए अलायंसेस, पोस्टपोल अलायंसेस सिर्फ बीजेपी का अधिकार है, हमारी पार्टी का नहीं है। दुख दुख यही है कि एक होता ना कि दो लोगों की लड़ाई होती है, जिन दो लोगों का बहुत प्यार था जब उनकी लड़ाई होती है ना तो ज्यादा दुख होता है। तो शिवसेना और बीजेपी तो दो भाई या मतलब एक ही परिवार के थे, वो नाम शिवसेना है, वही सेम सिमिलर लाइक एजेंडा ऑफ इंडिया, हिंदुत्व, सब तो इतना मैचिंग मैचिंग था। हमारा तो अभी भी कोई एजेंडा से हम नहीं हटे हैं, पर हमारा एक एजेंडा है और हमारा हिंदुत्व वो है, दिल में राम हाथ में काम। हाथ में आप काम दो, दिल में राम रखो, भगवान श्री राम रखो। और सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जो राम मंदिर पहुंची थी और राम मंदिर के भव्य टेंपल के लिए डोनेशन दिया था। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि हमारी आस्था का विषय है, हमारी राजनीति का विषय नहीं है। पर वो उस धर्म का पालन हम करते रहेंगे और जनता के साथ भी जो धर्म है वो निभाते रहेंगे। पर सबसे बड़ा धर्म जो भगवान श्री राम ने सिखाया था, उन्होंने क्या सिखाया था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ। आपने वचन दिया, वचन को नहीं निभाया तो हमारी भी जिम्मेदारी बनी कि हम अपना रास्ता निभ करें और वो रास्ते पे हम चल रहे हैं। वचन दिया था, पता नहीं। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रियंका जी बहुत जोरों शोरों से इंदिरा जी के बारे में कह रही है। इंदिरा जी को हम सब सम्मान करते हैं, उनको अपनी पुरानी पार्टी की भी यादें ताजा करनी होती क्योंकि अभी वो अलायंस में चली गई है। प्राइम मिनिस्टर, दैट्स अ बिट अनफेयर ऑफ यू। नो नो, आई एम सेइंग वी बोथ रिस्पेक्ट हर, सो दैट्स, लेट मी पुट इट दिस वे, थैंक यू। एंड उसके बाद वो जब शिवसेना के बारे में बात करती है, उनको क्या पता 2014 में शिवसेना ने क्या किया, 2019 में शिवसेना ने क्या किया। एक तो आप उस कमरे में बैठी हुई थी ना, मैं उस कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी और मैं सब जगह थी। मैं तो सालों से, पहली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस हुई तो सबसे पहले मैं थी, एज बीइंग पूनम प्रमोद महाजन, आई हैव सीन इट। और ये जो रघुकुलती, ये जो आपकी सारी सदा रीत चली आई, प्राण न जाए, तो आपने वचन जब 50 आपने फिर से एक बार, वो प्रियंका जी देखना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे बात हुई थी 50-50% की, ऐसे उन्होंने कहा। तो 50-50% की जब बात हुई, जब हम चुनाव लड़े और हमारे पचास पचास प्रतिशत, लेट मी जस्ट क्लियर इट, सी ढाई ढाई साल का सीएम नहीं कह रही हूं मैं, उन्होंने पहले उद्धव जी ने कहा 50-50%, ओके, हम हर चीज में आधे आधे भाई इकट्ठे रहेंगे। तो मेरा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब कोई मुझे शिव सैनिक दे नहीं रहा, आप जरूर दे पाएंगे मुझे, कि आने वाले समय में जब हम जीत के आए थे 2019 के चुनाव में, तो 22 नवंबर को जब 19 को सारे मेयर के पर्चे भरे गए थे, तो क्यों नहीं आपने ढाई साल के बाद कहा नहीं कि हमने भाजपा के साथ 50-50% का वादा किया है और जब 22 नवंबर को हमारा मेयर बदलेगा ढाई साल के बाद, तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो हमारी तरफ से भी हमारा 50% होगा और आपकी तरफ से भी 50% होगा। जो चीज हमें पता नहीं है उस पर ऐसे ही अटकलें चलती रहेगी तो यही राजनीति होगी। और मैं ये सवाल, आपने इतने साले सारे सवाल उठाए और उनको, इनका कहना होता है कि ऑपोजिशन में इनको बोलने नहीं देता है, तो आज उन्होंने, उनको ये भी पता चला उनको ज्यादा बोलने के लिए मिला। आपने बहुत सारे ऐसे निर्णय कहे कि 2019 में क्या हुआ, ये आपको मैं फिर से दिल से कहना चाहती हूँ कि उद्धव जी इस सवाल का अब तक जवाब नहीं दे पाए।
मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं हर चीज का सम्मान करती हूँ। आप हर वक्त ये सवाल पूछते हैं कि इनकी अलायंस हुई कि नहीं, उनकी अलायंस हुई नहीं, पीठ पे छुरा। 2014 में हम अलग क्यों हुए? 2009 के चुनाव में शिवसेना और भाजपा के साथ क्या हुआ था? 2004 में क्या हुआ था? ये सम्मान बाला साहब ठाकरे के लिए इसीलिए है, इसलिए भाजपा ज्यादा बोलती नहीं। लेकिन इनकी तरफ से ऐसे वार होते हैं जो बिल्कुल एक मतलब सब देने के बाद भी आप उस रूप से स्वभाव आपका दिखाते हैं, दिस शोज द अपब्रिंगिंग ऑफ द पार्टी। ये दुख की बात है। से हमने सब कुछ दिया शिवसेना को? दिया नहीं मैम। अगर आप अपना थोड़ा इतिहास बीजेपी का भी याद रख लें, महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति थी और आप कहां आए हैं? मैडम आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। आई मुझे दुख लग रहा है, आप शिवसेना में 2019 कुछ दिया आपको? 2019 अप्रैल में आप शिवसेना में आई हैं, लेकिन सालों से आप शिवसेना के बारे में नहीं जानती। ओके, आप अभी स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं। पूनम जी हैज अज्यूम्ड दैट आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बी दैट बीजेपी हैज डन अस सम ह्यूज फेवर। Let her also go back to her own history, her party's history, what its presence in Maharashtra was, and who has stood firmly with them when there were 2 seats, 4 seats, with 8 seats, 20 respect, seats. Thank you. With due respect. Ma'am, Hindi mein zara ye Hindi channel pe lai jao. Mujhe dukh hai, sorry. Bahut, wo angrezi mein aage to maine socha apne liye angrezi thode shabd, kyunki hu Marathi madhyam se main. Main itni, mujhe itna dukh ho raha hai ki Shivsena aur Bharatiya Janata Party ka rishta, इसके बारे का इतिहास जो मुझे पता है या ठाकरे परिवार को पता है वो बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन उसके बाद की जो अटकलें 2019 के बाद हुई है वो बहुत सारी झूठ की पॉलिटिक्स में हुई है। हर कोई अपने अपने, फिर आपको इतना वचन की दिक्कत हुई तो आपको सीएम बनने की इतनी जल्दी क्यों थी? आपने तो हर वक्त कहा कि सीएम मेरा शिवसैनिक होगा 50% में, तो आपने आपका मुख्यमंत्री घर में, दूसरा मंत्री घर में, सारा मंत्रालय घर में क्यों फिर बनाया? आपने फिर बोलना चाहिए था कि माझा शिवसैनिक मुख्यमंत्री होना बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, फिर आपने वो सपना पूरा क्यों नहीं किया? आपने घर के सारे मंत्रालय बांट दिए और उसके बाद आप कह रही है कि आप उसको आगे लेके बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बात है जिसमें दुख की बात है देखने के लिए। और आप हर वक्त चाहिए जब ही आप मतलब परसों एक कांग्रेस के आपके ही अलायंस के एमएलए ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि शिवसेना के साथ हमारी अलायंस थी, हम 3 मुस्लिम एमएलए बैठे हुए हैं और वहां पे उद्धव ठाकरे खड़े रहे, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रही है, वो हिंदुत्व से परे हैं नहीं परे हैं, इन्होंने क्या डोनेशन राम मंदिर के लिए दिया वो सब ठीक है। जब आला साहब ने कहा कि मस्जिद हमारे शिवसेना क्यों नहीं तोड़ दी, मैं उनका शिवसेना बाला साहब ने कहा तो हम उनका, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान के बाद मैं कहना चाहती हूँ खुद उद्धव जी खड़े रहे और उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मी पाड़ ली और उसपे सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ हम क्यों जाएं। तो आपके अलायंस की अंडरस्टैंडिंग हिंदुत्व की है, वो सेक्युलरिज्म की, सो कॉल्ड फेक सेक्युलरिज्म की है, आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं? और साथ में भी रह के आप कह रही थी कि हम मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मुफ्त की रेवड़ियों वाली पार्टी के साथ आपको पसंद नहीं है कि मुफ्त देना नहीं चाहिए, तो मुफ्त की रेवड़ी देने वाली पार्टी के साथ आप दिल्ली में अलायंस क्यों कर रहे हैं? तो उनके कहीं ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटे, इनके साथ हम अलायंस नहीं करना चाहते हैं। जनता को कुछ देना इन पार्ट ऑफ सोशलिज्म, यू कॉल इट एज लेफ्ट पॉलिटिक्स और राइट पॉलिटिक्स, डज नॉट मैटर। इट इज नॉट अबाउट गिविंग अनाज टू पीपल। उनको एम्पावर करने के लिए आयुष्मान कार्ड देते हैं कि उनकी स्वस्थता रहे, उनको एजुकेशन देते हैं, स्किलिंग कर रहे हैं, हर बात पे हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उद्धव जी के साथ बात 50 बार हुई, हर कोई सम्मान से, मातोश्री जाके सम्मान से उनसे बात करते हैं। कभी आपने सोचा कि आप भी आगे आके कहें कि नहीं हम भी 50-50% का जो हमने बात की वो सच नहीं है? मुझे क्या कहना है इस बारे में, उस कमरे में 2 लोग बैठे थे, उसमें से एक कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए था, आदरणीय अमित भाई और आदरणीय उद्धव जी, और उद्धव जी कह रहे ऐसे हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बात को उसके बाद 2019 के इतिहास ने दिखा दिया कि मुख्यमंत्री बनने की जल्दी किसको थी और उन्होंने करके दिया, तो इस पे बात ही कहां से आती है? बात ऐसे आती है, मैं बताती हूं,
वो मेरे पार्टी लीडर उस मीटिंग में बैठे थे, और जब मेरे पार्टी लीडर कुछ कहेंगे मैं उनका यकीन करूंगी, ना कि अमित भाई शाह का, जो एक तरफ कहते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी अमित शाह, वो अजीत पवार 70,000 करोड़, और दूसरे दिन उनको अपने उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। क्या वर्जन है? और दूसरा मेरा पॉइंट यही है, मैं अपने पार्टी लीडरशिप पे मेरा पूरा विश्वास है, और एक 25 साल के इतिहास को खत्म करने का जो काम हुआ है, मेरे पार्टी लीडर और अमित शाह जी, हाँ जी, और हमने कह रहे हैं कि हाँ हमें ये कहा गया था, और मैंने आपको उदाहरण दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या उदाहरण रहे हैं, शायद उनको लगता हो मुझे इतिहास नहीं पता है, पर मैं भी शायद भले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पे देखनी थी, वो क्या बोले मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सब कुछ नहीं है, अगर आप सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते तो अमित शाह जी बता दीजिए, चलिए उन्होंने कह दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया है, मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत पड़ी, आपके मुख्यमंत्री को आपके प्यारे घोटाला के बैंकिंग बनाने वाले घोटाला मैडम, राज्यसभा 2 साल के आपके घोटाले चल रहे हैं, अशोक चव्हाण को बोल दीजिए, आप कहिए आप हिंदुत्व के साथ है या नहीं है, आप सोनिया गांधी के दरवाजे पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं, आप किसके दरवाजे जाते हैं बताइए, दरवाजों पे आप लेकर आते हैं, ऐसे एक्चुअली एक्टर के सेशन करने बहुत आसान होते हैं, ये बड़ा मुश्किल था, पर मेरे को एक बात बताइए, आपका वचन टूट गया, चलिए मान भी लिया, पर इसका मतलब ये कि कांग्रेस के साथ और अलायंस हो जाएगा? नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए कि हमारे री इलेक्शन भी हो सकता है, मतलब नहीं, अगर आप मुझे फिर से एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी के साथ totally differing points of view, right? एक common minimum understanding होती है कि नहीं, आप मुझे बताइए कि workout नहीं हुई ना, जिस दिन आगे चल के क्या हुआ, फिर आगे चल के क्या हुआ, उस दिन क्या वर्कआउट नहीं हो रहा है, आई एम टेलिंग यू आगे चलकर क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे सबके सामने ये बोलकर जा रही हूँ, आगे चलकर अक्टूबर में जब महाराष्ट्र में चुनाव आएगा, महाविकास आघाड़ी जीत कर आएगी और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये होगा, मेरी इच्छा है कि जो तालियां बजा रहे हो उनको वोट भी दे दे, क्योंकि मेरा यह पूरा विश्वास है एंटरटेनमेंट के लिए ठीक होता है सब कुछ, लेकिन प्रभु श्री राम के राम राज्य के लिए उस विश्वास उस परंपरा को लेकर चलना पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विचारों को लेकर चलते हैं, महाराष्ट्र में 5 साल सरकार थी इसलिए उसी इंफ्रा पे हम महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहे हैं, 2 साल कोविड में जब मुख्यमंत्री घर पे बैठे रहते हैं और वहां से सरकार चलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा काम अच्छा हुआ, इसलिए कोई बात नहीं, पूरे सम्मान पूर्वक मुख्यमंत्री जी से बात करती हूं, यूनिसेफ ने भी कहा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी ने किया, अगर माफ करिए मैडम, इतना अच्छा काम कर लेंगे और इसीलिए आकर कितना, इसीलिए आपने बनाए हुए सारे सेंटर पे आपके सारे शिवसेना के लोगों ने पैसे खाए, कॉमन केस पे पैसे खाए और इसके बाद वो पकड़े भी गए, तो इसलिए आप इसमें बात ना करें जी, और फिर सब बीजेपी में शामिल होकर किशोरी पेड़ने का बीजेपी में शामिल हो रही है तो बता दीजिए हमें, ये तो 10 पार्टी किशोरी पेड़ने का बीजेपी में शामिल हो रही है तो बता दीजिए मुझे, ये तो 10% कौन है, बता दीजिए किशोरी पेड़ने का पार्टी में शामिल हो रही है तो बता दीजिए, किशोरी पेड़ने का पार्टी में शामिल हो रही है, ये तो राजा मुझे स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन में बात शामिल हो रही है तो बता दीजिए, बीजेपी शामिल हो रही है तो बता दीजिए, यादव एंड यादव आप शामिल हो रहे हैं तो बता दीजिए, एक बार शिंदे आप किसी के भी डिस्कशन शामिल हो रहे तो आप अजीत पवार शामिल हो गए तो और क्या शिवसेना भारत शो टीवी पे देख रहा हूँ, हमें खत्म करना है क्योंकि लोगों को डिनर भी खाना है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें एक आखिरी सवाल है जो बिल्कुल इससे अनकनेक्टेड।